हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी भी SBI के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड में, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उसे किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल करने का एक्चुअली में कारण क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं Nifty 50, तो कहने का मतलब है जो मार्केट है वो डाउन होते ही जा रहा है लगातार। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम करके आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि एक मंथ में यहां पर माइनस में गया है, यानी कि -7.86%, यानी कि एक मंथ में ये डाउन चला गया है। इसी के साथ में आज की बात कर लेते हैं, तो आज भी आप यहां पर देख पा रहे हैं डाउन ही गया है, आज डाउन गया है यहां पर 0.90%, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि आखिर क्या ऐसे में हमें म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड में यानी कि लमसम अमाउंट ऐड कर रखा है तब, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपके अमाउंट को एक साल से ऊपर हो गया है तब, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ बातों को और भी ध्यान रखना है, जैसे कि इस समय अभी यहाँ पर यानी कि जो मार्केट है वो डाउन हो रहा है, ठीक है, पर आने वाले समय में मार्केट यानी कि ऊपर की भी तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब ऊपर की भी तरफ जरूर जाएगा। तो आपको इस बात को यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है। पर अगर आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं वो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं, और यहाँ पर कितने समय से कितने समय में जो आपका पैसा है वो विड्रॉल हो जाता है वो भी आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने SBI योनो एप्लीकेशन को यहाँ पर सिंपली ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जो नेटवर्क है लग रही है आ नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे एक बार यहाँ से कट कर देता हूँ और दोबारा इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर मुझसे लॉगिन जो पिन है वो मांगा जा रहा है, MPIN। मैं यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना MPIN है जो कि मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब आपका जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा पैसा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं चलिए इस आइकन पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में अब जो मेरी अमाउंट जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पैसे को मैं यहाँ पर विड्रॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है रिडीम, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अमाउंट टू रिडीम, ठीक है। आप यानी कि जो पैसे को किस चीज में यानी कि निकालना चाहते हैं, यूनिट में या फिर अमाउंट में, तो मैं यहां पर यूनिट सिलेक्ट कर लूंगा। और आप यहां पर सारे ही यूनिट को निकालना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कुछ यूनिट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली आल पर सिंपली क्लिक कर दूंगा, और जो यूनिट है मेरी आल वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आप इसमें कम में कम 500 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं चलिए प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जो सारी डिटेल्स है हमारे सामने आ जाएगी, आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपके बैंक खाते से नंबर जुड़ा हुआ है उस जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP जाएगा, ठीक है, तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में जो डेट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, बैंक की तरफ से आपके पास यहां पर मैसेज भी आ चुका है, तो आप यहां पर देख भी पा रहे हैं बैंक की तरफ से भी मेरे पास यहां पर मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से आप यहां पर
अपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो पैसा है वो कितने समय में आ जाता है। आपको बता दूं पैसा है आपका, जैसे कि आज हमने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, इसी के साथ में 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा।